नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 12:22 हो रहे हैं, कोर्ट नंबर 7 में आप देख सकते हैं 28 नंबर का केस चल रहा है। अभी जल्द ही आप लोग का केस आने वाला है, आप लोग लाइव जुड़े रहिएगा। मैं आप लोग को दिखा रहा हूं दोस्तों, इसके बाद मैं तुरंत अभी आऊँगा, क्या हुआ है, कैसे, क्या वो सब। केस नंबर 28 चल रहा है, 33 नंबर पर आपका केस लगा हुआ है, देखते रहिए दोस्तों। लाइव चला रहा हूं मैं, इसीलिए लाइव जो है। दोस्तों कोर्ट नंबर 7 में केस नंबर 30वां जल्द ही आप लोग का नंबर आने वाला है। एकदम दोस्तों देख सकते हैं, बस 3 कदम और दूर हैं आप लोग। जल्द ही आप लोग को ये भी देखने को मिलेगा कि क्या फैसला आपका आया। मैं वही इंतज़ार कर रहा हूं कि कितने मिनट तक जो है, आप देख सकते हैं दोस्तों 12:22 के बाद से इतना टाइम लग गया। 28वां केस था दोस्तों, दो केस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। 10 मिनट के अंदर जो है केस, एक से दो केस जो है फाइनल हो जा रहे हैं। कोर्ट नंबर 7 में आपका जो है केस लगा हुआ है। आप यहां से देखिए दोस्तों, कोर्ट नंबर 7 को ही देखिएगा, जहाँ पर मैंने टिक मारा है, यहाँ पर ये वाला जो है दोस्तों, यही आपको चेक करना है, यहीं पर, यही जो है केस जो है आपका 35 नंबर पर है। फ्रेश लिस्ट है, फ्रेश लिस्ट सुनी जा रही है दोस्तों। 30 नंबर वाला केस शुरू हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लगेंगे। अगर ज़्यादा बजाने वाला केस होगा तो दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए कितना टाइम लग रहा है। वैसे दोस्तों आज कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि सरकार की तरफ से बताई जा रही कि उपस्थिति है, सरकार की तरफ से उपस्थिति है। मैं लाइव दिखा रहा हूं, आप लोग लाइव देखिए कोर्ट नंबर 7 का। और वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी तो जिन अभ्यर्थियों ने बताया है अपने नंबर, उनका श्योर होना तय है। दोस्तों इसके बाद फिर से मैं एक बार फिर लाइव आऊँगा, क्या अपडेट रहा देख सकते हैं। कोर्ट नंबर 7 में 30 नंबर का केस चल रहा है, 12:30 हो रहे हैं। और कितना टाइम लगता है, 3 केस तीसरे नंबर पर आपका है, 31-32 के बाद 33 नंबर वह आपका रहेगा दोस्तों। बस दो केस, दो कदम दूर हैं आप लोग दोस्तों, मात्र दो कदम। दोस्तों 30 नंबर का केस शुरू हो गया है। और एक चीज़ मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि इस कोर्ट केस के चक्कर में दोस्तों बहुत से दलाल जो है अभ्यर्थियों से पैसा मांग रहे हैं। एक रुपए भी आप लोग दलालों को पैसा मत दीजिएगा, एक भी रुपए दलालों को पैसा नहीं देना है। वेटिंग लिस्ट क्लियर होना होगी, अब तो कोर्ट के अनुसार ही जो है फैसला आएगा। इसलिए अगर कोई भी कहता है कि केस में जल्द से जल्द निस्तारण करवा दूँगा, मुझे इतना पैसा दिलवाइए, तो दोस्तों आप लोगों को एक भी रुपए नहीं देना है। मैं साफ साफ आप लोग से कह रहा हूं कि जो भी फैसला आएगा कोर्ट के माध्यम से ही आएगा। आप लोग इस चीज़ का ध्यान दें, किसी भी दलाल को पैसा मत दीजिए। कुछ अभ्यर्थी कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं, सर जो है संविदा की भर्ती है और वेतन भी बहुत अच्छा नहीं है, कब निकाल दिया जाएगा। कोर्ट केस हुआ है, उसमें कुछ लोग पैसा मांग रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, वकील साहब जो पैसा लेंगे, लेना होता है दोस्तों, वो ले चुके हैं, ठीक है। अब जो है कुछ दलाल इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि इस केस में मैं पैसा कमा लूं, तो आपको एक रुपए भी नहीं देना है। मैं कोर्ट की लाइव दिखा रहा हूं आप लोग को, जो भी फैसला होना होगा आज पता चल जाएगा कि डेट आगे बढ़ेगी कि आज ही आर्डर आपका रिजर्व हो जाएगा। यहां से दोस्तों देख सकते हैं केस नंबर 32 लग गया है, 30 के बाद 31 नहीं हुआ, 32 पे आ गए हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर 32 नंबर का केस, बस एक कदम और दूर हैं आप दोस्तों। गवर्नमेंट की तरफ से उपस्थिति होगी तो आपका केस तुरंत लग जाएगा दोस्तों, तुरंत का तुरंत है। अब मैं एकदम लाइव पर हूं दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं आप, देखिए दोस्तों 30 नंबर से 31 नंबर, फिर 32 नंबर आ गए हैं, 33 नंबर पर आपका केस है दोस्तों। मैंने आपसे कहा था कि 1 बजे के पहले पहले भी आपका केस हो जो है सुनवाई हो सकती है। 32 नंबर का केस सुना जा रहा है, केस नंबर कोर्ट नंबर 7 में दोस्तों, ये आपका है, यही है यहाँ पर देखना है आपको।
दोस्तों जब कोर्ट में दोनों तरफ से उपस्थिति होती है तो केस सुना जाता है। देखिए 30 के बाद 31 नंबर वाला केस नहीं सुना गया क्योंकि वहाँ पर उपस्थिति हमें लगता है नहीं थी। तो अब देख सकते हैं कोर्ट नंबर 7 में 32 नंबर का केस जो है सुना जा रहा है। आपकी तरफ से क्या मतलब अपडेट है, गवर्नमेंट की तरफ से उपस्थिति होगी तो दोस्तों आपका भी केस जो है सुना जाएगा। अब बस एक कदम और दूर हैं, जल्द ही आपका भी केस लगने वाला है। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी, 12:43 पर आपका केस लग गया है। यहाँ पर देख सकते हैं केस नंबर 33, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कन्हैया लाल एंड 6 अदर यूपी स्टेट, यानी आज जो है दोस्तों सुनवाई हो सकती है। केस आपका लिस्टेड है, लग गया है कि 12:43 पर आपका केस देख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ एकदम जो है केस जो है लाइव जो है, यहाँ पर देखिए 12:00 पर ये केस आपका लिस्टेड हो गया है। यहाँ पर कोर्ट नंबर 7 में आपका है दोस्तों, और कोर्ट नंबर 7 में केस लग गया है 12:43 पर। पेटिशनर काउंसिल विवेक सिंह श्रीनेत, टाइटल कन्हैया लाल एंड 6 अदर यूपी स्टेट। बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों, केस लगा है, क्या सुनवाई होने जा रही है, कितनी देर तक आपका केस जो है रहेगा। 12:43 पर केस आपका लगा हुआ है। दोस्तों मैं कोर्ट की ताज़ा अपडेट लाइव अपडेट दिखा रहा हूं आप लोगों को, जो कुछ होगा अगर आर्डर रिजर्व होना होगा तो आर्डर रिजर्व हो जाएगा। आज कोर्ट नंबर 7 को आप देखें, कोर्ट नंबर 7 ये वाला दोस्तों, कोर्ट नंबर 7 33 नंबर पर आपका केस था। आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों सुनवाई शुरू हो गई है, कन्हैया लाल एंड 6 अदर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर। यहाँ पर देखिए दोस्तों केस नंबर, कोर्ट नंबर 7 केस नंबर 33 पर आप देखते रहिएगा, 12:43 पर हुआ है दोस्तों। बहुत बड़ी खुशखबरी है, कम से कम केस आपका लगा तो आज क्या फैसला आएगा, क्या आर्डर रिजर्व होने वाला है। मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ एकदम, 33 नंबर जिसका इंतज़ार था दोस्तों वो आ गया। आज वेटिंग लिस्ट से संबंधित कुछ ना कुछ आपको अच्छी न्यूज़ देखने को मिल सकती है। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं लाइव प्रूफ के साथ मैं आप लोग को दिखाऊंगा। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं दोस्तों, कहते हैं आपकी अपडेट गलत होती है। देख लीजिए मैं गलत बता रहा हूं कि सही बता रहा हूं। सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से ही आप लोगों को न्यूज़ मिलती है। मैं जो भी न्यूज़ देता हूँ दोस्तों रियल ऑथेंटिक अपडेट देता हूँ आप लोगों को, जो भी अपडेट मेरे द्वारा रहती है। यहाँ से देखिए कन्हैया लाल एंड 6 अदर 14572 आप देख सकते हैं, यहाँ पर केस डिटेल भी चेक कर लीजिए जो मैंने आप लोगों को बताया था। आपका केस लग गया है, 12:43 पर लगा था दोस्तों, 12:45 हो गए हैं। कितनी देर तक केस सुना जाएगा, क्या आज ऑर्डर रिजर्व हो सकता है कि अगली डेट मिल सकती है दोस्तों। अभी भी सुनवाई चल रही है, सुनवाई दोस्तों लगता है हमें कि केस जो है आज भी जो है कुछ सुनवाई नहीं हो पाई है, क्योंकि 12:43 से 12:46 पर आप देख सकते हैं कोर्ट नंबर 7 में यहां पर 34 नंबर का केस आ गया। मात्र तीन मिनट ही बहस हो पाई है, 3 मिनट। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों सभी अभ्यर्थियों को दिखा रहा हूं कि हमें लगता है अगली डेट कहीं ऐसा तो नहीं है फिर आप लोग को मिल गई है कि ऑर्डर रिजर्व की बात है या कि क्या हो गया है। देखिए दोस्तों बड़ी तेज़ जो है 34 के बाद 33 के बाद 34 के बाद 36 आ गया है, इसका मतलब 35 नंबर का केस जो है कोई नहीं था। तो देखिए बड़ी तेज़ सुनवाई चल रही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। जो भी होगा मैं अब अगले वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।